गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर ऊर्जा क्षय पढ़ा। ऊर्जा क्षय में पहला जो भाग है वो है ऊष्मा ऊर्जा, कि किसी भी कार्य में ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का क्षय होता है। कोई चीज़ गर्म हो जाती है, मैंने आपको कल बहुत से उदाहरण आपको बताए थे कि हम कोई भी कार्य करते हैं उसमें इंजन गर्म हो जाता है, पात्र गर्म हो जाता है, या पंखे का जो मोटर है वो गर्म हो जाती है, तो ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का क्षय होता है। दूसरा, प्रकाश ऊर्जा, दहन की प्रक्रिया जो होती है, जलाने की जो प्रक्रिया होती है, उससे प्रकाश उत्पन्न होगा, ठीक है ना। वो प्रकाश हमें नहीं चाहिए, हमें तो किसी चीज को जलाना है, लेकिन उस प्रकाश का यूज भी अपन नहीं कर सकते। इस प्रकार से प्रकाश के रूप में भी ऊर्जा का क्षय होता है। अब है ध्वनि ऊर्जा। जब कोई भी टक्कर होती है, टक्कर में आवाज होती है, ध्वनि का मतलब आवाज होना, साउंड उत्पन्न होना, या कोई भी अपन प्रक्रिया करते हैं, इंजन चलाते हैं, उसमें भी आवाज होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है, तो उस ध्वनि के रूप में ऊर्जा का क्षय होता है। उस ध्वनि का हमें कोई उपयोग में नहीं लेना, वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है। अच्छा, अपन क्षय किसको कहेंगे, ऊर्जा क्षय किसको कहेंगे, वह ऊर्जा जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, जो बिना मतलब में खर्च हो रही है, हमें चाहिए ही नहीं, फिर भी वो बन रही है, तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते, हम उसका यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो टक्कर, घर्षण, घर्षण होता है तब भी आवाज होती है। अन्य प्रक्रियाओं में ऊर्जा का कुछ भाग ध्वनि ऊर्जा के रूप में भी क्षय हो जाता है। घर्षण आदि के कारण अणुओं में होने वाले कंपन दाब तरंग में बदल जाते हैं, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। कोई भी घर्षण होता है, घर्षण के कारण जो कोई भी अणु है, अणु में अगर अपन घर्षण करवाएं, किसी भी पदार्थ में अणुओं से मिलकर ही बना होता है, जैसे मान लो कोई भी दो वस्तुओं को अपन घर्षण करा रहे हैं, देखो घर्षण हो रहा है दोनों, तो इस वाले अणु से टकरा रहे हैं, घर्षण कर रहे हैं दोनों अणु, तो घर्षण कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अणु में क्या होता है, कंपन होगा। कंपन का मतलब समझते हैं, एक माध्य स्थिति से इधर उधर घूमना, ये कंपन होगा, तो जिससे क्या होगा, तरंग उत्पन्न होते हैं, और वहां से तरंग में ध्वनि उत्पन्न होती है। नाभिकीय संयंत्र, नाभिकीय संयंत्र, नाभिकीय संयंत्र कौन से होते हैं, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, नाभिकों का जुड़ना और नाभिकों का टूटना। कोई भी नाभिक जब विखंडित होता है, टूटता है, तब भी ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, प्रकाश भी उत्पन्न होता है, और ध्वनि भी उत्पन्न होती है। कोई भी टक्कर होती है, कोई दो वाहन अगर टकरा है, ध्वनि उत्पन्न होगी, प्रकाश भी उत्पन्न होगा, तो ये सब क्या है, ऊर्जा क्षय की उदाहरण है। कोयला संयंत्र, कोयला संयंत्र अपन ने पढ़ा, जल विद्युत परियोजनाएं, विद्युत पवन बिजली घरों में, अन्य माध्यमों में विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा ऊष्मा ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। इस प्रक्रियाओं में भी कुछ ऊर्जा क्षय होती है। टरबाइन के द्वारा जनित्र में भी कुछ ऊर्जा क्षय होती है। एक कोयला संयंत्र की दक्षता करीब 40% होती है, मतलब 60% जो ऊर्जा है वो खर्च हो रही है, जो हमारे लिए अनुपयोगी है, उसका हम कोई भी उपयोग नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि हम जितनी ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, उसका आधा भाग भी अपन यूज में नहीं लेते, उसका आधा भाग भी हमारे लिए उपयोगी नहीं है, आधे से ज्यादा जो है वो यूं ही खर्च हो जाता है, व्यय हो जाता है। तो जितने भी हमने संयंत्र पढ़े थे पीछे, उन सभी संयंत्रों में, सभी मशीनों में ऊर्जा का क्षय किसी न किसी माध्यम से, चाहे वो गर्म होकर हो, ऊष्मा के रूप में हो, चाहे वो प्रकाश के रूप में हो, चाहे वो ध्वनि के रूप में हो, किसी न किसी रूप में उसमें ऊर्जा का क्षय होता है। इसी प्रकार वाहनों में आंतरिक दहन, इंजन में जब डीजल या पेट्रोल का उपयोग होता है वाहन में, ठीक है ना, तो उनकी रासायनिक ऊर्जा पहले ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है। पेट्रोल एक रासायनिक पदार्थ है, उससे रासायनिक ऊर्जा बनती है, वह रासायनिक ऊर्जा पहले ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है, ठीक है ना।
और ऊष्मा ऊर्जा में बदलने के बाद वो ऊष्मा क्या करती है, पिस्टन पर दबाव डालती है। पिस्टन होता है एक, जैसे अपन सिलेंडर में नहीं होता क्या, सिलेंडर में अपन दाब डालें, ठीक है ना, दबाएं किसी भी चीज़ को, तो दबाने पर उस सिलेंडर की जो गैस है उस पर दबाव पड़ता है, पिस्टन घूमने लगता है, गए हैं, पिस्टन घूमने लगता है। जब उस पर दबाव पड़ेगा तो क्या होगा, पिस्टन घूमेगा। यह यांत्रिक ऊर्जा वाहन के पहिए को गतिज ऊर्जा प्रदान करती है। इस प्रक्रिया में इंजन की ध्वनि, दहन के दौरान उत्पन्न प्रकाश, पहियों एवं सड़क के बीच घर्षण के कारण उत्पन्न ऊष्मा जैसे कई अनुपयोगी कार्य में ऊर्जा क्षय होती है। अब आप सोचिए, एक वाहन को अपन गति करवा रहे हैं तो हमारा कार्य क्या है कि पेट्रोल को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य है हमारा। यांत्रिक ऊर्जा मैंने आपको पहले बता दी, किसी भी वस्तु को गति करवाना, घुमाना, उसको चलाना, ये सब यांत्रिक कार्य है। बिना पेट्रोल के वाहन नहीं चलेगा, ठीक है ना। पेट्रोल से अपन क्या करते हैं, रासायनिक ऊर्जा बनाते हैं, और वह रासायनिक ऊर्जा हमें यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करनी है, हमारा उद्देश्य है। अब इन दोनों प्रक्रियाओं के बीच में देखो कितनी ऊर्जा बन रही है जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है। पहिए जब सड़क के ऊपर चलते हैं तो आपने टीवी में देखा होगा, वैसे तो नहीं देखा होगा प्रत्यक्ष रूप से, तो टीवी में देखा होगा कि जब वाहन बहुत ज्यादा तीव्र गति से गति करते हैं, बहुत तेज अगर गाड़ियां चलती हैं, कभी होता ना एक गाड़ी का पीछा कर रही है दूसरी गाड़ी, तो कितने तेज वो गाड़ियां चलती हैं, तो आपने देखा होगा कि पहिए और सड़क के बीच में चिंगारियां उत्पन्न होती हैं। अगर कभी मौका मिला हो देखने का तो वो चिंगारी मतलब प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न होना। प्रकाश ऊर्जा कब उत्पन्न होती है, जब पैर गर्म होते हैं घर्षण के कारण, ठीक है, टायर और सड़क के बीच में घर्षण के कारण चिंगारियां उत्पन्न होती हैं, तो उस ऊर्जा का हम कोई भी उपयोग नहीं कर सकते, वो वेस्टेज है, वेस्ट हो रहा है, वो ऊर्जा खर्च हो रही है, हमारे लिए उपयोगी नहीं होती। ठीक उसी प्रकार बहुत से ऐसे आवाज करती है, जैसे कोई भी वाहन चल रहा है तो ध्वनि उत्पन्न होती है, उस ध्वनि का भी हमारे लिए कोई उपयोग नहीं है, लेकिन उस ध्वनि उत्पन्न होने में ऊर्जा खर्च होती है। तो हम कहने का मतलब ये है कि जितना डीजल या जितना पेट्रोल खर्च हो रहा है, उसकी जितनी भी रासायनिक ऊर्जा है, वो सारी की सारी ऊर्जा केवल वाहन को ही नहीं चलाती, उसके अलावा भी बहुत सी ऊर्जाएं उत्पन्न होती हैं जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी कार्य अपन करें, किसी भी मशीन के द्वारा कोई भी कार्य किया जाता है, उसमें बहुत सी ऊर्जाएं खर्च होती हैं। वाहन में प्रयुक्त होने वाले ईंधन के कुल ऊर्जा क्षमता का करीब 1/4 वर्तमान में हम वाहन द्वारा प्राप्त करते हैं। सोच लो 25% ही भाग हमारे काम आ रहा है, बाकी 75% उसका अनुपयोग है, कोई उपयोग नहीं है उसका, ठीक है। अगला हेडिंग है ऊर्जा क्षय को कम करने के उपाय। ऊर्जा क्षय मतलब जो ऊर्जा खर्च हो रही है उसका, उसको अपन कम कैसे कर सकते हैं, क्या हमारे पास में ऐसी विधियाँ हैं जिससे हम उसको कम, उसको अपन कम करें, ठीक है। घरों में आने वाली विद्युत युक्तियाँ जैसे टीवी, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन आदि को जब उपयोग में नहीं ले रहे हों तो उन्हें आपातोपयोगी, जब अपन उसको उपयोग में नहीं ले रहे हैं, उस कंडीशन में अवस्था में रखने से कुछ ऊर्जा का क्षय होता है, अतः जब इन्हें उपयोग में नहीं लेना हो तो हमें उन्हें स्विच ऑफ कर देना चाहिए।
बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो घर में अपन यूज़ करते हैं और उसको अगर अपन नहीं भी यूज़ करें फिर भी वो चालू रहते हैं, चलते रहते हैं। आप लोगों ने खुद भी महसूस किया होगा, हम पंखा ऑन करते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं, वो पंखा चलता रहता है। टीवी देख रहे हैं, टीवी अपन कुछ अन्य काम कर रहे हैं फिर भी टीवी चल रहा है, अपन देख नहीं रहे फिर भी टीवी चल रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ऊर्जा क्षय का पहला और सीधा साधा जो उपाय है वो ये है कि जब हमें किसी चीज की आवश्यकता हो हम उसे तभी चलाएं। अगर हमें उसका अभी यूज में नहीं लेना तो हमें उसका स्विच ऑफ कर देना चाहिए, ठीक है। कई बार क्या होता है, वॉशिंग मशीन तो ऑफ है, वो तो नहीं चल रही है, लेकिन उसका मेन जो स्विच है, मेन जो प्लग जहाँ पे अपन ने लगा रखा है वो ऑन किया हुआ है, तो उससे भी ऊर्जा का क्षय होता है, क्योंकि जो वायर आपने लगा रखा है उसमें विद्युत धारा प्रवाह होती है, उसमें विद्युत धारा प्रवाह होने पर विद्युत का कुछ भाग खर्च होता है। तो इसलिए जब हमें किसी चीज का यूज नहीं लेना होता तो हमें मेन जो स्विच है, मेन स्विच मतलब जहां पे अपन ने प्लग लगा रखा है उसका, वो हमें प्लग बंद कर देना चाहिए, स्विच ऑफ कर देना चाहिए। बहुत बार आपने देखा होगा, देखते भी होंगे, आज के बाद आप जब भी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति को चलाते हैं तो उसे आपको यूज में अगर नहीं लेना होता है तो उसको आप ऑफ कर दें। जैसे मशीन आप चला रहे हैं, नीचे से उसके जो लगे रहते हैं वो आप ऑफ है, नहीं चला रहे उसको, अपन चल नहीं रही मशीन, ठीक है ना, अपन दूसरे काम में लग रहे हैं, लेकिन उसका जहाँ पर आपने प्लग लगा रखा है वो अभी भी आपने ऑन कर रखा है, तो आपकी नज़र में तो ये है कि हमने मशीन ऑफ कर रखी है, लेकिन वास्तविकता क्या है कि आपकी बिजली अभी भी खर्च हो रही है कुछ मात्रा, ठीक है। तो आज के बाद कोई भी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति को आप जब भी यूज करें, कई बार क्या होता है लाइट जलती रहती है, अपन रूम में नहीं फिर भी लाइट जल रही है, तो वो भी क्षय है इस तरह का, क्योंकि उसका हम यूज ही नहीं कर रहे, उस लाइट का, उस बल्ब का हम यूज ही नहीं कर रहे फिर भी अपन जला रखी है अपन ने उसको। तो ये है इलेक्ट्रिसिटी बचाने का, बचाने के तरीके कि हम किस माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी को बचा सकते हैं, ऊर्जा जो क्षय हो रही है उसका अपन, उसको अपन कम कर सकते हैं। ज्यादा स्टार रेटिंग वाले उपकरण ज्यादा ऊर्जा दक्ष होते हैं, इसका क्या मतलब है, आजकल के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां आ रही हैं उसमें ऐसा सिस्टम कर रखा है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है, ऊर्जा जो है उसका क्षय कम होता है, उसमें स्टार सिस्टम लगा रखा है, 3 स्टार 5 स्टार 7 स्टार, उसमें स्टार की मात्रा जितनी ज्यादा होती है, अभी आपने इन्हीं सालों में अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक युक्ति काम में ली है या कभी आप मार्केट गए हैं तो आपने देखा होगा कि फ्रिज पे, कूलर पे, इन सब पे क्या है, स्टार रेटिंग लगे रहते हैं, 5 स्टार है, ये 3 स्टार का है। तो इनसे क्या होगा कि ये ऊर्जा दक्ष होता है, मतलब ऊर्जा का जो क्षय होता है उनमें कम होता है, वो कम बिजली खर्च करते हैं। जैसे अपन ने 100% बिजली ली, उसमें से 60% काम कर रही है, 40% ही खर्च हो रही है, और 5 स्टार है, मान लो ज्यादा स्टार वाला उपकरण है, तो वो हो सकता है कि ज्यादा हमारे यूज में आ जाए और ऊर्जा क्षय है उसका मान कम कर दे। दक्ष होने का मतलब है कि वो अच्छा उपकरण है। कुल मिला के बात ये है कि जो उपकरण ज्यादा स्टार वाला होगा, उसकी स्टार रेटिंग अगर जाता है तो वह उपकरण उतना ही अच्छा माना जाता है, उससे ऊर्जा क्षय कम होगी और वो दक्ष होगा कार्य में, कार्य में अच्छा होगा, ठीक है ना। ऊर्जा दक्ष संयंत्र करीब 30% तक बिजली खपत करते हैं, साथ ही हमें उतनी ही क्षमता का संधारित्र खरीदना चाहिए जितनी हमारी आवश्यकता है। अनावश्यक रूप से ज्यादा क्षमता का उपकरण खरीदने से ज्यादा ऊर्जा भी खर्च होती है। क्षमता के अनुसार ही हमें यूज लेनी चाहिए चीजों को। जैसे किसी घर में 2 ही व्यक्ति हैं और उन्हें छोटे फ्रिज की आवश्यकता है, लेकिन
जितनी ज्यादा बड़ी युक्ति अपन काम में लेते हैं वह उतनी ही ऊर्जा खर्च करता है। हमने सबसे बड़ा वाला फ्रिज खरीद रखा है और उसको हमने चालू कर रखा है और हमें उसका ज्यादा यूज ही नहीं करना। घर में दो व्यक्ति रह रहे हैं, एक व्यक्ति रह रहा है और बड़ा वाला फ्रिज उसने यूज कर रखा है तो उसका कोई मतलब नहीं है। वो बिजली खर्च करता है, उससे बिजली ज्यादा खर्च होती है, छोटे फ्रिज से भी काम चल सकता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हमें जितनी चीज की आवश्यकता है, जितनी कैपेसिटी की हमें आवश्यकता है, हम उतनी ही कैपेसिटी का यूज करें। हम मान लो पढ़ाई नहीं कर रहे, कोई लिखने का काम नहीं कर रहे, कोई ज्यादा लाइट वाला काम नहीं कर रहे, फिर भी हमने बड़े लाइट, चार लाइटें जला रखी हैं, ज्यादा पावर वाले जला रखी हैं, ज्यादा वाट वाले बल्ब जला रखे हैं, जबकि हमें कोई ऐसा काम नहीं करना जिसमें बहुत ज्यादा रोशनी चाहिए। हम नॉर्मली बैठे हैं और उसमें हमें कम लाइट से भी हमारा काम चल सकता है। तो इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि अनावश्यक रूप से ज्यादा क्षमता वाले उपकरण हमें नहीं खरीदने चाहिए, ठीक है। तो इससे भी बिजली बचाई जा सकती है। तो पहला जो है वो तो ये है कि अगर हम उपकरण का यूज नहीं कर रहे तो हमें स्विच ऑफ कर देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि क्षमता से ज्यादा हमारी जो जरूरत है, हमारी आवश्यकता है, उस आवश्यकता से ज्यादा क्षमता वाला उपकरण हमें नहीं खरीदना चाहिए। जितने क्षमता की हमें आवश्यकता है हमें उतनी ही क्षमता का उपकरण लेना चाहिए। दो बातें आगे मेन जो निचोड़ जो निकला। तीसरा, बिजली का खर्च घरों में कम करने के लिए हमें घरों में CFL या LED लाइटों का उपयोग करना चाहिए। आजकल CFL और LED चल रही है तो हमें वही बल्ब लेने चाहिए, उनसे जो खर्च है वो कम होता है, ठीक है। ये कम वाट की जो लाइट आती है वो भी ज़्यादा प्रकाश देती है और ऊर्जा का क्षय कम करती है, तो हमें घरों में इन लाइटों का उपयोग करना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन आते हैं वो एक एक नंबर के आते हैं परीक्षा में, या दो नंबर का प्रश्न आ गया कि बिजली क्षय कम करने के उपाय लिखिए, तो आप पहला उपाय लिख सकते हैं स्विच ऑफ करना, दूसरा ले सकते हैं आवश्यकता से ज्यादा क्षमता वाले उपकरण नहीं खरीदना, स्टार रेटिंग वाला आप भी दे सकते हो, आपकी ज्यादा स्टार वाले उपकरण खरीदने चाहिए, वो ऊर्जा का क्षय तो करते हैं कम और ऊर्जा दक्ष होते हैं, ठीक है। और तीसरा ये लिख सकते हो कि घरों में हमें CFL और LED लाइटों का उपयोग करना चाहिए। विद्युत उत्पादन के दौरान उत्पन्न होने वाले कार्बन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एवं अन्य हानिकारक उत्सर्जकों की मात्रा में कमी आई है, ठीक है ना। विद्युत उत्पादन के दौरान उत्पन्न होने वाली जो ये गैसें हैं उनमें कमी आती है अगर हम इन सब चीजों का उपयोग करते हैं तो, ठीक है, जिससे वातावरण भी शुद्ध रहता है। ऊष्मा विनिमय से बहुत अधिक ऊर्जा नष्ट होती है। ऊष्मा विनिमय मतलब ऊष्मा का आदान प्रदान, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मा भेजना, उसको अपन कहते हैं ऊष्मा विनिमय। ऊष्मा विनिमय से भी ऊर्जा नष्ट होती है। इसे कम करने के लिए घरों की दीवारों व छतों को ऊष्मारोधी बनाना चाहिए। वर्तमान में नई तकनीकों की खोखली ईंटें बनाई जा रही हैं जो इमारत का कुल वजन कम करती है एवं एक कुचालक माध्यम की तरह कार्य करती है जिससे मकान का वातानुकूल खर्च कम हो जाता है। वर्षा जल को उपयोगी बनाना चाहिए। तो बहुत सी चीजें हैं, जनरल चीजें हैं ये। छत पर हम जो ईंट लगाते हैं या जो भी अपन छत का यूज करते हैं उसमें खोखली ईंटों का आजकल प्रचलन है जिससे वातानुकूल, मतलब हमारा घर अगर ठंडा है और हम उसे ठंडा ही रखना चाहते हैं तो हमें ऐसी ईंटों का उपयोग करना चाहिए जिससे बाहर की सूर्य की तेज किरणें, जो गर्मी है, गर्माहट है, वो हमारे घर के अंदर प्रवेश न करे, ठीक है। इस प्रकार से हम, ये भी एक माध्यम है जो वातानुकूल अगर वातावरण बनाया जाए तो उससे भी ऊर्जा क्षय कम किया जा सकता है, ठीक है। और वर्षा जल का तो उपयोग हमें करना ही चाहिए, उपयोगी
जल है ये, और उसका अच्छे कार्यों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें उसको उपयोगी बनाना चाहिए। छतों पे जो बारिश का पानी गिरता है या जो हमारे जो कच्ची मिट्टी है, जो कच्ची ज़मीन है, उसमें जो वर्षा का पानी गिरता है, और जो अपन जितना भी यूज़ अपन घर में भी अगर पानी का यूज़ करते हैं तो उसको भी अपन वेस्टेज होने, पानी वेस्टेज होने के बाद में भी अपन उसका कुछ ना कुछ उपयोग करें, तो ये तो जल संरक्षण की है ही विधि। अब हमारा अगला जो बिंदु है वो है शक्ति। तो ये आप आज यहाँ तक पढ़ोगे, ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स बना लेना इनके, मैंने कुछ मूल मूल जो पॉइंट है मैंने आपको बता दिए हैं, तो आप भी पॉइंट्स के रूप में शॉर्ट में इनको लिख सकते हैं, कि अगर कम नंबर का आता है तो आपको इतना कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं, इसको आप शॉर्ट पॉइंट बना लें, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, धन्यवाद।